Hi, my name is Bally Sigu. You're watching Dunnock Television, Miami's number one station. टेलीविजन जब पाकिस्तान में आया उस जमाने में जो लोग वजह बने कि लोग टेलीविजन की तरफ दौड़े और लोगों ने टेलीविजन बड़े शौक से देखना शुरू किया, ऐसे ही एक हस्ती को बुलवा रहा हूँ, ऐसे ही एक आर्टिस्ट को बुलवा रहा हूँ, ऐसे ही एक राइटर को बुलवा रहा हूँ जिन्होंने टेलीविजन की इर्तकाई मनाजिल में टेलीविजन को बड़ा सहारा दिया और आज उनका नाम छोटे स्क्रीन पर बहुत बड़ा दिखाई देता है। ख्वातीन हज़रात, इस्तकबाल कीजिए तंजो मिजाह की दुनिया के मुसाफिर, हम सब के पसंदीदा, तशरीफ ला रहे हैं जनाब कमाल अहमद रिजवी और उनकी बेगम। कमाल साहब कैसे मिजाज हैं? राजेश खैरियत से हैं? आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अब हम आपसे दरख्वास्त करेंगे लोगों की तालियों में आप स्टूडियो से बाहर तशरीफ ले जाएं। बस इतनी जल्दी? उसकी वजह यह है कि हम आपकी बेगम से कुछ सवालात करेंगे और बाद में आपको बुला के उसे टैली करेंगे कि दोनों में कितनी हम आहंगी है। माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। तो आपकी तालियों में जनाब कमाल अहमद रिजवी साहब। सवालात के लिए मैं बुलवा रहा हूं अपने साथी मेजबान को, इस्तकबाल कीजिए, वो भी टेलीविजन के आर्टिस्ट हैं, समन आगा। खुल के बोलिएगा। इंशाल्लाह। आपके मियाँ भी बहुत खुल के बोलते हैं वो कोई किसी से रियायत नहीं करते हैं, तो आप भी रियायत मत कीजिएगा। इंशाल्लाह। जी कोशिश ये बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सवाल के जवाब कोशिश कीजिएगा कि तेजी से दें। अच्छा, क्या कमाल साहब दूसरों के मजाहिया प्रोग्राम देखकर हंसते हैं? बहुत कम, तनकी ज्यादा होती है ना, इसलिए हंसते बाद में। ये तफसील से बताते जाइए, जरा उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। मतलब पहले तो वो तनकीद करते हैं बाद में हंसते हैं। पहले तनकीद करते हैं बाद में हंसते हैं, मतलब उनका स्टाइल ये होता है। ठीक, ओके। नाराजगी पर चिल्लाते हैं या तंज करते हैं? दोनों ही करते हैं, चिल्लाते हैं, मोहल्ले वालों को पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है। हाँ, मोहल्ले वाले। टीवी पर ज्यादा काम ना करने की क्या वजह बताते हैं? नहीं, टीवी पर ये अपनी मर्जी से काम करते हैं, जब जी चाहता है जी, करते जब हैं। जी करते। दोस्ती के मामले में चूजी हैं या हर एक को दोस्त बना लेते हैं? नहीं, चूजी है, मतलब दोस्ती लगेगा ऐसे कि बहुत दोस्ती है मगर ये होते नहीं अंदर से दोस्त। भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, इसी तरह बोलते रहिए। ओके, मेहमानों के आने पर बहुत खुश होते हैं या कम खुश होते हैं? ये पहले तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, जैसे जैसे टाइम पीरियड ज्यादा होता जाता फिर इनकी खुशी जरा कम होती जाती, फिर वो उनका जो स्टाइल है। ओके, कभी आपसे नन्ना के बारे में बात करते हैं या उनका कोई वाकया सुनाते हैं? हाँ, कभी कभार सुनाते हैं जी। गैर मुल्की चैनल्स देखकर क्या कहते हैं? गैर मुल्की चैनल्स बहुत कम देखना होता है क्योंकि हमारे यहाँ वो है ही नहीं सिस्टम। अच्छा, उनका मूड खराब करने के लिए कौन सी बात की जा सकती है? मूड खराब करने के लिए कोई बात करनी जरूरी नहीं है, या अनप्रेडिक्टेबल है। अभी जैसे आपसे हंसी मजाक हो रहा है और ये क्या, मतलब जैसे अब इस वक्त आपसे बातचीत बड़े अच्छे स्टाइल में हो रही है। अचानक कि कोई बात उनके मिजाज के खिलाफ होगा या आप सोचते रह गए वो कहां से काम पहुंचे। अच्छा, और उसका बरमला इजहार भी करते हैं जी, उसमें रियायत नहीं। अच्छा, कभी गलती करके उसको मानते हैं? कभी कभार। कभी कभार हाँ, गलती मानते। आपको कमाल साहब की कौन सी आदत नापसंद है? एक तो नहीं, बहुत सारी है। सुबह उठ के सबसे पहले क्या काम करते हैं? अखबार पढ़ते हैं। क्या मुल्की सियासत से दिलचस्पी रखते हैं? बहुत। क्या अखबार तफसील से पढ़ते हैं या सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं? बहुत तफसील से, पूरा दिन अखबार पढ़ने में बिताते हैं। मैं यानी कि तो मैं आपसे किस वक्त बात करते हैं फिर? बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि ये मेरी सौतन है अखबार जो है। अच्छा, ओके। अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं या लापरवाह रहते हैं? नहीं, बहुत।
बहुत रखते हैं? सेहत का बहुत ख्याल ख्याल रखते हैं। क्या चीज़ शौक से खाते हैं? सी फूड और अच्छे खाने के बहुत शौकीन। पुराने दोस्तों के घर जाना पसंद करते हैं या उनको घर बुलाना पसंद करते हैं? घर बुलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे घर बुलाने का क्या फ़ायदा कि मेहमान आए, बहुत खुशी का इजहार करें, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है। नहीं, मतलब वो चाहते हैं कि आए और चला जाए, ज़्यादा टिके ना। अच्छा, मतलब जी। ये इस प्रोग्राम के जरिए काफ़ी लोग जो हैं वो मोहतात हो जाएंगे। ओके, कंजूस हैं या शाखर्च हैं? नहीं, कंजूस नहीं है, शाखर्च भी नहीं है, म्याना रवि से खर्च। ठीक, क्या आपको अपने किसी ड्रामे या कहानी का प्लॉट सुनाते हैं पहले? हाँ, कभी कभार जरूर। कहीं जाते हुए लिबास का खुद इंतखाब करते हैं या आप उनके लिबास का इंतखाब करती हैं? उनके लिए जी। नहीं, वो अमन खुद ही करते हैं, कभी कभार पूछ लेते, लेकिन वैसे है खुश लिबास। अच्छा, किस बात से उदास हो जाते हैं? इस बात से उदास हो जाते हैं, उदासी की भी कोई वजह नहीं, कोई हो जाता। अच्छा, मतलब बिला वजह भी उदास हो जाते हैं? नहीं नहीं, बिला वजह नहीं होते, वो कभी बता देते कभी नहीं बताते। अच्छा, मौसम कौन सा पसंद है कमाल साहब को? मौसम इनको सारी पसंद, सर्दियां ज्यादा पसंद। उनका पसंदीदा टीवी प्रोग्राम कौन सा है? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सारे देखते हैं? हाँ, देखते हैं। तो डिश पे कौन सा प्रोग्राम देखते हैं ज्यादातर? नहीं, डिश पे नहीं देखते, लोकल। अच्छा, अब मैं कोशिश की थी मैंने घुमा के बाहर लाने की। आपकी सहेलियों से मिलकर खुश होते हैं या मुंह बनाते हैं? वो नहीं, वो खुश नहीं होते सहेली, मतलब कोई दुनिया में ऐसा है जिससे वो खुश होते हों? नहीं, वो सिवाय अपने अलावा किसी और से खुश नहीं होते। वाह वाह। किस किस्म के लोगों से चिढ़ते हैं? चापलूस। चापलूस। शादी के बाद आपको सबसे पहला तोहफा क्या दिया? साड़ी दी। किस काम में बहुत सुस्ती करते हैं? किस काम में बहुत सुस्ती? जी नहीं, सुस्त तो नहीं है। अच्छा, कमाल साहब जहीन हैं या चालाक हैं? जहीन भी है, चालाक भी है। गुस्से में क्या करते हैं? गुस्से में पहले तो सुना है कि बहुत चीजें फेंकते थे, अब जरा चीजें नहीं फेंकते, वैसे चीखते बहुत। मतलब कभी कोशिश नहीं की चीजें फेंकने की, या आपने वो चीजें हटा दी हैं वहां से? नहीं, मेरी मौजूदगी में तो नहीं फेंकी गई है, लेकिन सुना है कि पहले बड़े फेंका करते थे। आखिरी तोहफा क्या दिया आपको, लेटेस्ट? आखिरी तो अभी तो कोई नहीं दिया। पैसे ना हो तो क्या करते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करते। शादी की तारीख याद रखते हैं या नहीं? कभी याद रहती कभी नहीं। बहुत शुक्रिया, सवालात खत्म हुए, और अब आपकी इन्हीं तालियों में कमाल अहमद रिज़वी। हमने कुछ सवालात आपके बारे में आपकी बेगम से किए, उन्होंने जवाबात दिए और बहुत बोल्ड जवाबात दिए, और उससे आपकी शख्सियत काफ़ी खुल के सामने आई है। और हम ये चाहते हैं कि आप भी, जो आपके बारे में एक बात मारूफ है, मशहूर है, कि आप जो है बरमला इजहार करते हैं और बहुत खुल के और बड़े अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। मैं सवालात शुरू कर सकता हूँ? जी, शाद। ज़रा ज़ोर से बोलिएगा। शाद। ठीक, क्या आप दूसरों के मजाहिया प्रोग्राम देख कर हंसते हैं? कौन, मैं? जी, मैं पागल हूँ। मतलब इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ अपने प्रोग्राम देख के हंसते हैं? अपने भी नहीं देखता मैं, क्योंकि वो भी मुझे हंसने के काबिल तो नहीं लगते, लेकिन फिर भी लोग हंसते हैं। नाराजगी पर आप चिल्लाते हैं या तंस करते हैं? वो मौके पर है कि नाराजगी का क्या सबब है, उसके हिसाब से है। अच्छा, मतलब हर चीज का आपने एक पैमाना बना रखा है कि इतना होगा तो चीखूंगा, इतना होगा तो मैं तोड़ फोड़ करूंगा? नहीं, मतलब है कि उसका रिएक्शन जितना होना चाहिए उतना ही होता है। उतना ही होता है। साहब, आप लोग फैसला करेंगे कि जवाबात मिल रहे हैं या नहीं। टीवी पर ज्यादा ना काम करने की आप इनको क्या वजह बताते हैं? मैं इनको कभी वजह नहीं बताई, वजह कभी नहीं बताई इनकी।
इन्होंने कहा था कि आप अपनी मर्जी से टेलीविजन पे काम करते हैं। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। ठीक, दोस्ती के मामले में चूजी हैं या हर एक को दोस्त बना लेते हैं? नहीं नहीं, हर एक को मैं दोस्त नहीं बना सकता। एक बड़ा अहम सवाल है, मेहमानों के आने पर बहुत खुश होते हैं या कम खुश होते हैं? ये मेहमानों की शख्सियत पे है। बाज ऐसे होता है कि जिनको देख के तो आप मुझे क्यों देख रहे हैं? बाज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको देख के तबीयत मचल जाती है कि ये जल्दी से चले जाएं वापस। कभी आप इनसे नन्ना के बारे में बात करते हैं या उनका कोई वाकया सुनाते हैं? नन्ना के बारे में जब कभी बात आती है तो मेरा ख्याल है कि मैं जिक्र करता हूँ उसका। गैर मुल्की चैनल्स देखकर आप क्या तबसरा करते हैं? गैर मुल्की चैनल्स में कौन से चैनल्स? सारे चैनल्स जो डिश पे दिखाए जाते हैं, आप देखते हैं? मैं देखता हूँ, बाज को देखता हूँ और बहुत कबीला खातिर होता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपके वहाँ डिश है? वहाँ आपके घर में होता था? नहीं, इन्होंने तो कहा कि आपके घर में डिश नहीं है, यही कहा था ना? होता था, पहले था। अच्छा, पहले अब निकलवा दिया आपने? निकलवा नहीं दिया, उड़ गया हवा से। एक बात बताइए कि आपका मूड खराब करने के लिए कौन सी बात की जा सकती है? जो बात दिल को ना लगे उससे आपका मूड बिगड़ जाता है। जी जी। कभी गलती करके आप उसको मानते हैं? बहुत कम ऐसा हुआ है। इनको आपकी कौन सी आदत नापसंद है? काम ना करने की आदत। इतना काम मैं क्यों नहीं करता जितना मोहिन अख्तर करता है? इन्होंने तो कहा था कि एक आदत नहीं है, बहुत सारी आदतें हैं जो नापसंद हैं आपकी। मेरी? जी। अच्छा अच्छा, उधर मत देखिए आप इधर। सुबह उठ के सबसे पहले आप क्या काम करते हैं? सबसे उठ के पहले कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान का बच्चा हूँ तो कलमा पढ़ लेता हूँ। आप तो कह रही थी अखबार पढ़ते हैं। नहीं तो पढ़ते होंगे ना वैसे। मेरे कलमे के बाद आपने पहला जुमला। अच्छा ठीक है, ओके। क्या मुल्की सियासत से आप दिलचस्पी रखते हैं? बहुत ज्यादा। आप अखबार तफसील से पढ़ते हैं या सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं? पहले हेडलाइन पढ़ता हूँ, फिर उसमें से मैं चुनता हूँ कि कौन सी खबर पढ़ने के लायक है, कौन सी खबर है जिससे ब्लड प्रेशर तेज होता है, कौन सी खबर ऐसी है जिसको न पढ़ने से भी काम चल जाएगा। तो आप सोच के पढ़ते हैं? अखबार सोच के पढ़ने की चीज ही नहीं होती। ठीक। अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं या लापरवाह रहते हैं? नहीं, मैं अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ। क्या चीज आप शौक से खाते हैं? फूड, सी फूड। पुराने दोस्तों के घर जाना पसंद करते हैं या उनको घर बुलाना पसंद करते हैं? पुराने दोस्त रहे नहीं, इंतकाल फरमा लिया। मतलब जो बचे हैं उनके घर जाना पसंद करते हैं या उनको बुलाना पसंद करते हैं? अगर वो आए तो बड़ी खुशी होती है, बुलाते हैं उनको। आप कंजूस हैं या शाखर्च हैं? बाज मामलात में मैं बहुत कंजूस और बाज मामलात में बहुत शाखर्च हूँ। क्या आपको अपनी किसी ड्रामे, आप इनको किसी ड्रामे अपनी या कहानी का प्लॉट सुनाते हैं? ड्रामे सुनाता हूँ, अक्सर सुनाता हूँ। दावत में कहीं जाते हुए लिबास का इंतखाब आप खुद करते हैं या आपकी बेगम करती है? दोनों मिलकर कर लेते हैं। किस बात से उदास हो जाते हैं? बहुत सी बातें हैं। मौसम कौन सा पसंद है आपको? न गर्मी न सर्दी, बीच का मौसम। ये तो कह रही थी सर्दी बहुत पसंद है आपको। सर्दी में तो मुझे हार्ट अटैक हो जाता है। आपका पसंदीदा टीवी प्रोग्राम कौन सा है? मेरा पसंदीदा टीवी प्रोग्राम अब कोई नहीं रहा। आप इनकी सहेलियों से मिलकर खुश होते हैं या मुंह बनाते हैं? उनकी शक्लों पे। Thank you.
ये तो बड़ी काफी सख्त बात कह दी आपने। ओके, किस किस्म के लोगों से आप चिढ़ते हैं? झूठों से, मक्कारों से, हिपोक्रेट्स से। शादी के बाद आपने इनको सबसे पहला तोहफा क्या दिया? इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, शादी को बड़ा अरसा हो गया। मैं आपको क्लू दे देता हूं जी। हीरो का सेट, अंगूठी, साड़ी या शलवार कुर्ता? अंगूठी। आज याद रख लीजिए, आपने पहला तोहफा साड़ी दी थी। अच्छा, याद रखिएगा। किस काम में बहुत सुस्ती करते हैं आप? लिखने में। आप जहीन हैं या चालाक हैं? मैं जहीन हूं। अगर कभी इत्तफाकन पैसे ना हो तो क्या करते हैं? पैसे बनाने की कोशिश करता हूं। शादी की तारीख याद रखते हैं या नहीं? हाँ, तीनों याद है। और यूं सवालात खत्म हुए और बहुत उम्दा जवाब दिए, काफी हम आंगी है, शुक्रिया अदा करते हैं कमाल अहमद। एलजी होम अप्लायंसेस और क्राउन टॉपस्टार टेलीविजन बनाने वालों की जानिब से एक कलर टेलीविजन आपकी नजर किया गया, उसे कबूल किया।